इस मंच पर विराजमान हमारी प्यारी जिनकी सेवाएं 87 साल की आयु प्राप्त कर चुकी है और इस सेंटर के माध्यम से दादी जी ने जो इनके क्षेत्रों में एक पहलू को जो तैयार किया है, मैं इस मौके पर ऐसे परिवार जिनकी पालना स्वयं परमात्मा करता हो, ऐसे विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र बने जिनको पढ़ाने स्वयं परमात्मा आता हो, दुनिया में ऐसा अद्भुत नजारा और कहीं नहीं देखने को मिलता है। हमारे जो पहले हैं, हमारे जो भाई हैं, इनको देख करके जहां से भी हमारी बहने निकलती हैं तो उनका सफेद वस्त्र देख करके लोग बड़े श्रद्धा से पवित्रता की भावना से उनको देखते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दुनिया में एक तरफ अंतिम चरण में जो संगम युग चल रहा है और इस वक्त इतिहास में कभी इतनी गिरावट देखी नहीं गई है जितनी गिरावट वर्तमान समय में देखने को मिलती है। आज से 40 साल पहले अगर लोगों से पूछा जाता कि कौन सा नेता, कौन सा जनप्रतिनिधि और कौन सा अधिकारी बेईमान है, तो 40 साल पहले बेईमान अधिकारी कर्मचारी नेता ढूंढना मुश्किल था और अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सा नेता, कौन सा अधिकारी चरित्रवान है, ईमानदार है, तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। इतने बड़े पैमाने पर समाज संस्कार विहीन हो रहा है, लोग पैसे के अंधे दौर में दौड़ रहे हैं। मैंने देखा है हमारे सामने भाई पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, ये इन्होंने एक दृष्टांत मुझे बताया कि भाई जो माँ 9 महीने अपने उदर में बच्चे को रख पालती है और इसके बाद जन्म देती है, उसका नया जन्म होता है और इसके बाद 4 साल तक बच्चे को शौच करवाती है, वही माँ ऐसा कलयुग का अंतिम समय चल रहा है कि वही माँ को 1 महीना अगर बिस्तर में लेट जाए तो 1 महीना उसकी सेवा के लिए उनकी संतानें तैयार नहीं। इतने बड़े पैमाने पर संसार भी समान हो रहा है। इन्होंने बताया कि एक बार ये रतनलाल नगर में इनका एक दोस्त था, जून का महीना था, बहुत गर्मी थी और उस दोस्त के पास जब ये गए तो पूछा कि इतना बढ़िया बंगला, आपके पिताजी बहुत पहले खत्म हो गए थे, उनकी मृत हो गई थी, लेकिन माता जी ने इतना बड़ा ये बंगला कैसे बनाया। उन्होंने बताया कि हमारी माँ उनका त्याग है, तो ये पुष्पेंद्र जी कहने लगे कि अपनी माता से मुझे मिला दो, तो उन्होंने कहा कि वो अभी पूजा में बैठी है। दोबारा जब गए तब इन्होंने कहा कि हमको माता जी से मिला दो, तो उन्होंने कहा कि माता जी हमारी पूजा में बैठी। बार बार जब उन्होंने ज्यादा दबाव डाला तब उन्होंने जाकर के पीछे दिखाया, इतना बड़ा बंगला बंगला और तीन सेट में जहां पर भयंकर गर्मी, जहां 48 डिग्री टेम्परेचर, ऐसी जगह वो माँ वहां पर उस तीन सेट में पड़ी थी, जो इतना बंगला बढ़िया बंगला जिनमें हर कमरे में एसी लगे थे। इन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो उस भाई ने बताया कि हम या तो माँ को रख ले या तो अपनी पत्नी को रख ले। मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बड़ी
होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे महापुरुषों ने जो कहा कि हमको त्याग और तपस्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना आचरण सुधार ले। कहते हैं कि सांस बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांस है, ताके हृदय आप। हमारे जिंदगी से सच्चाई बहुत दूर चली गई है। दिन भर झूठ का सहारा लेकर के हम लोग अपना जीवन शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, मेरा तो संकल्प रहता है कि राजनीति में 3 बार मंत्री रहा, 4थी बार विधायक बना, लेकिन प्रयास रहता है कि सुबह से शाम तक एक भी शब्द झूठ ना निकले। क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं तो 86 में जब विधायक था वहां से भी मुझे मंत्री बना, वहां भी मैंने सेंटर बनवाए हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे डायरेक्ट परमात्मा ने जो गुलजार दादी के तन में आकर के वो हम लोगों को जो मुरली चलाते हैं, तो बाबा ने डायरेक्ट दो बार एक बार नहीं दो बार हमें वरदान दिए हैं। ऐसा सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस करता हूं। राजनीति में बड़ी गिरावट आई है। आज हम देख रहे हैं कि नेता कहता कुछ है, करता कुछ है। हम कोशिश करते हैं कि जीने में और जाने में कोई अंतर ना हो पाए। कहा गया है कि भाई पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज ये प्रेम गायब है, और प्रेम अगर कोई करता भी है तो उसमें स्वार्थ पहले छुपा होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। मैं भी सेंटर में अभी थोड़े समय से आया, मैं झांसी से जुड़ा रहा, दूसरी जगह से जुड़ा रहा, ज्ञान में बहुत पहले से आया था, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो बाबा हम लोगों को बताते हैं उस रास्ते पर चलने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। हम सुबह से क्षेत्र में भी निकल जाते हैं तो राजयोग के साथ साथ योग भी सिखाते हैं, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तो अपने लिए उपयोगी, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी। तो सबसे पहले हम स्वयं स्वस्थ हों, समाज को स्वस्थ रखें, और संबंध भी हमारे अच्छे हों। मैं जब से सीकर में आया, बहुत कम समय हमारा हुआ है, लेकिन जो हम दादी जी को देखा कि जब भी आए तो जैसे हमारी माँ का हमको प्यार मिलता था, उससे कहीं ज्यादा प्यार यहाँ पर मुझे दादी जी का मिला। बिना कुछ खिलाए यहाँ से कभी जाने नहीं देती हैं। तो मैं हमारी जो लौकिक माँ थी और ये जो आध्यात्मिक माँ मुझे मिली है, मेरा नजदीक घर है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारी जिंदगी जितने दिन की है तो ये एक एक क्षण ये बाबा की बताए हुए रास्ते पर चले। और हम कोशिश करते हैं कि हम श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर अक्षरशा चलने का प्रयास करता हूँ। अभी कुछ कमियां हैं। कल भी मैंने बाबा की जो बाबा का हम लोगों को बहुत महाभाव सुनने को मिला, और नए वर्ष के लिए जो उन्होंने कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन बताए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। और राजनीति में बड़ी गिरावट है, इसको मैं पवित्र बनाने के लिए भी प्रयास करता हूँ। डेली जाकर के लगभग इतने लोगों, कभी कभी 100-200 और 1000-1000 लोगों के बीच में जा जा करके राजयोग की बात
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी श्री विश्वविद्यालय में ना आया होता तो शायद हमारे इस इतने अच्छे कुछ आदर्श विचार आचार विचार संस्कार अच्छे ना होते। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हमारी बहने हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली भाई हैं कि ऐसी दादी के आप पालना के बच्चे हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएं, पवित्र बने, प्रेम करें, शांति से जिए और शुभ आनंद हमारे जिंदगी में हो। तो हमको बाबा के बताए हुए श्रीमत पर चल करके अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना चाहिए। बाबा ऐसा हम करके कर करके चले कि बाबा हमारा, जब मैं बाबा के पास जाऊं तो बाबा इंतजार करे और मुझे तुरंत गोद में उठा ले कि बेटा अच्छा कर करके आ रहा।